भी होने वाला मैच उसमें भी वैसे ही होगा, बट देखते कौन आता है। जो भी आएगा हम उसके लिए पूरी तैयारी करके आएंगे और फिनाले जीतने की पूरी कोशिश। अच्छा क्रिकेट खेल। हरियाणा वाले तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे के साथ मुकाबला चाहते हैं, तो आप हरियाणा के साथ मैं बॉम्बे के साथ चाहता हूँ, मैं चाहता तो हूँ, मैं मुंबई से चाहता हूँ, और मैं रोज सुबह शाम प्रे कर रहा हूँ। बट हरियाणा की जो फाइटिंग स्पीड मैंने देखी है ना, बहुत स्ट्रांग है, तो क्वालिफायर टू में इनको पता नहीं मुंबई मिलेगी पंजाब, बट अगर हरियाणा मिलती है तो भी बढ़िया, मुंबई मिलती है समझ जाऊंगा ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। लेकिन अनुराग भाई लग रहा है कि दुआ आपके कबूल नहीं, क्योंकि अभी टीम से बात हुई थी मुंबई की, तो उन्होंने बोला कि मुनावर नहीं खेलना है तो फाइनल में। मुनावर नहीं खेल रहा उनकी टीम के लिए तो अच्छी बात है ना वो, क्योंकि आप देखो ना टीम के लिए तो जैसे हर्ष है, हर्ष का रोल सिर्फ ऑन फील्ड है, समझ रहे हो ना, तो मुनावर वो तो और अच्छी बात है मुंबई के लिए। एक कैप्टन का होना जो सुयश भाई वो तो बेस्ट है, वो तो बॉलिंग करते हैं विद द बैट भी वैल्यू होते हैं, उनकी टीम में सब अच्छे हैं, सौरभ अच्छा है, तो आई थिंक अच्छा है, कुछ खराब नहीं है। बट मुनावर होता ऑन फील्ड होता तो ज्यादा अच्छा था उनकी टीम के लिए, क्योंकि बस एक उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि काफी फैन फॉलोइंग है उसकी, उसके जो चाहने वाले हैं वो आते हैं, बट टीम के लिए देखोगे तो अच्छा अनुराग भाई, आपने कौन सा पानी पिलाया? रूह अफ़ज़ा वाला, नींबू पानी, कौन सा है। पानी? जो भी इनका स्पॉन्सर होगा, जो भी पानी फ्री में इनको मिल रहा है लीग वालों को, वही पिलाया मैंने, जो इन्होंने मुझे पिलाया था मैंने वही पिलाया। हाँ, आज क्या रणनीति बनाई आपने कि आयुष लगातार जीत रही, आयुष की टीम आज और आप हरा दी, क्या रणनीति बनाई? नहीं देखिए, रणनीति एक एक प्लेयर के ऊपर होती है, और मैं बहुत ही करीब से देखता हूँ क्या किसका वीक जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन, सारे मैचेस देखता हूँ। वहां पे जो भी पॉइंट मुझे लगता है मैं उसके लिए एक बॉलर चुनता हूँ, कौन ये चीज कर पाएगा, और उसके लिए उसी बॉलर को सामने लाता हूँ। लाइक कुटकुट का अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच में हरपाल ने आउट किया था, आज भी कुटकुट आया जो स्ट्राइक पे, तो मैंने खुद बॉल नहीं पकड़ी, मैंने हरपाल को दिया, हरपाल ने आउट किया। तो हर चीज के पीछे प्लान होता है, और ज्यादा चीज मत खुलवाओ। अनुराग भाई देखा जा रहा था कि ऑन फील्ड पर हरियाणा की टीम एम्पायर से कुछ बात कर रही थी, हाँ शायद कुछ बॉलिंग को नहीं, लेकर। नहीं मैंने भाई उसमें मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि देख कल का मैच एक फ्रेंडली मैच था, वो डेटर पर था, बट आज मैंने वो चीज बोली कि भाई आप प्लेयर जो भी बैटिंग कर रहा है आप उसके कंधे पे से हाथ रख के आप नहीं खड़े हो सकते कि सही बात, सब लोग घेर लो, आप मुंह से बोलो जो बोलना है बट करीब मत आओ। तो अंपायर ने बोला कि आप अपने प्लेयर से बोलो कि अंपायर को बोले मना कर देगा, तो वही बात हुई, तो अंपायर से हमारे प्लेयर से बोला और उन्होंने मना किया, तो दैट वाज गुड। और हम लोग क्योंकि वो सब नहीं करते, दूर से हम लोग ही बोलते हैं, बट हम लोग बहुत अच्छे में बोलते हैं, बोल भी अच्छे में बोलते हैं, बट वो करीब आना जो होता है कल आपको भी ले गए थे उठा के, था वो एक तरीके का लेकिन बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, और फिर अरे नहीं वो प्यार है, वो भर के पानी पिलाना, वो प्यार पानी नहीं, पिलाना फैंस दे आपके लिए प्यार है, लेकिन फैंस दे कमेंट 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 सही कमेंट कह रहे, कमेंट में आ रहा था अरे क्या भाई ऐसे 2019-20 से गालियां खा के मेरा करियर बना है, समझ रहे सभी था, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मीम बना रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, ये लोग बेचते हैं, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता यार हमारे और आपके बीच में क्या है। नहीं आपका सपोर्ट कर लेते, आपके सपोर्ट में कि भाई ऐसे कैसे ऐसा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब हम लोग का बीच का है, चलता है भाईचारा, हमने भी पानी पिलाया ना, प्यार प्यार से पी लिया तो चलता है। बिल्कुल स्पेशल से आप कह रहे थे कि मतलब हम फाइनल खेलेंगे, और आज आप फाइनल में पहुंच गए हैं, तो इतना कॉन्फिडेंट कैसे था आपको कि हम फाइनल मैं, क्योंकि मैं जो मेरा जो काम है मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ, बस वो बात है कि वो थोड़ा वर्चुअल था ये रियल है, तो ये और लकीली मुझे वो प्लेयर्स मिले मेरी टीम में जो जिनसे जो बोलो जैसा बोलो वैसा करते हैं, तो आई एम सुपर हैप्पी। अनुराग भाई जो अब टीम है लखनऊ, ना सिर्फ एक टीम है बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकर भी है, हाईएस्ट स्कोरर आपकी टीम आज है, मेडल है, वही तो कह रहा, तो उसको लेके कहना चाहेंगे कि वही स्ट्रेंथ है मेन, क्योंकि बाकी टीम्स में तो ऐसा है नहीं। मैं मानता हूँ क्रिकेट इतना बढ़िया स्पोर्ट है, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, तो ये जो भी रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं टूटेंगे, आज नहीं तो कल टूटेंगे। फिनाले के लिए सभी जो कैप्टन बता रहे हैं हम तो मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप गंभीर रूप खेलते हैं? नहीं नहीं हम भी एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, सीधी सी बात है, हम भी अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, हमारा काम है एंजॉय कर रहे हैं। ट्रॉफी जीतने के लिए यार अभी तक तो मेरी नजर ट्रॉफी पे नहीं फोटो, अब पता है कि एक मैच दूर है ट्रॉफी भी मिलेगी, बट उस मैच को भी हम फिनाले समझ के नहीं खेलेंगे, ऐसा समझेंगे कि बस एक मैच है जीतना, ऑन फील्ड वही रोल रहेगा सबका जो अभी तक रहा है। फाइनल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आपके प्लेइंग 11 में? आई थिंक देर इज नो नीड, एक सरप्राइज आज मिलने वाला था, ट्रेलर मिला, पिक्चर भी अगले मैच मिलेगी। अच्छा अनुराग, अपने फैंस को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपने एल्विश को आज हराया, तो क्या संदेश देंगे अपने, क्योंकि बड़ी भारी टीम खेली जाती है। अरे वो मुझसे उम्मीद कर रहे थे मैं एल्विश को हरा, मैंने हरा दिया, अच्छी बात है, क्रिकेट है, हार जीत लगी रहती है, हरा दिया, अब कोई भी टीम है लगातार रोज रोज थोड़ी ना जीतेगी, तभी ने कभी तो हारना है, तो कल हम इसीलिए जानबूझ के ढीला खेले कि 3 मैच जीत चुके हैं, अब इस मैच का कोई मतलब है नहीं, काम करो हार जाओ तो वो जो पनौती होती है वो निकल जाएगी इस मैच में। आकाश का बैटिंग ऑर्डर ने जानबूझ के नहीं चेंज किया था मैच में, क्योंकि मुझे लग रहा था शॉर्ट बॉल पे आउट होगा, मैंने आकाश को बोला भी तो शॉर्ट शॉर्ट बॉल पे आउट होने वाला है,
आउट हो गया वो, इसीलिए भाई तू आउट हो जा आज, कल मान आज भी आकाश आउट हुआ, बट कोई नहीं अगले मैच में आकाश फिर से मारेगा सचिन फाइनल में। कल भी अगर हरियाणवी हंटर्स हार जाती है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा? यार इजी नहीं, फिर तो पक्का बता रहा हूँ मुंबई आएगी, तो इजी तो नहीं होगा क्योंकि मुंबई भी बहुत स्मार्टली खेल रही है और उनका क्रिकेट अच्छा है, तो मजा आएगा उनके साथ खेलने में, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक सभी से एक क्वेश्चन है क्योंकि फिनाले में तो आप जा ही रहे हैं, तो क्या नर्वसनेस है, नहीं बटरफ्लाईज इन द स्टमक, क्या तैयारी है क्योंकि सारे आप बैठे हैं मैन ऑफ द मैच सुपर स्ट्राइकर, तो क्या स्पेशल तैयारी है? भाई पहले पता चले किसके साथ है फिर तैयारी करेंगे, नहीं फिर भी पता तो चले शादी की, क्या शादी है या एंगेजमेंट है, फिर उसी हिसाब से रेडी होगा। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट, थैंक यू सो मच।